हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, कल मैंने ना आरआरबी असिस्टेंट का ना मैंने एक मॉक सॉल्व करके डाला था। ठीक है, बट उसमें ना थोड़ा सा ना आवाज़ का इशू आ गया था। ठीक, मतलब कूलर चल रहा था थोड़ा वैसे करके, तो ये आवाज़ का इशू आ गया था, तो बहुत लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, देखो पंखा तो चल रहा है, बट पंखे से उतनी आवाज़, लैपटॉप थोड़ा सा पंखे की आवाज़ इग्नोर करता है। ठीक है, बट कूलर क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है ना। ठीक है, तो गाइज देखो उसमें ना उस वीडियो में क्या हुआ ना कि कमेंट किया लोगों ने कि गाइज असर आप अपना रफ शीट शेयर करो। देखो रफ शीट में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। ठीक है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए और मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता। ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लैपटॉप इतना बढ़िया नहीं है कि वो इतना सपोर्ट करे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ठीक है, तो मैं इसलिए वो करना चाहता। और मेन बात है आरआरबी क्लैरिकल में आपको क्या देखना है कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो आरआरबी क्लैरिकल बहुत ही सिंपल पेपर आता है। ठीक है, उसमें आप दो ही रीजन से अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पहला है स्पीड, फिर एक्यूरेसी। अगर आपको क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं ना कुछ कुछ, तो मतलब आपको उस टॉपिक में वर्क करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक में आपको लिटरली वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको, अगर आप जैसे रीजनिंग में आप पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड स्लो है प्रपोजल्स में। अगर आप पॉइंट में पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अर्थमेटिक क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, या आपकी कैलकुलेशन स्लो है। ठीक है, आप, मैं नॉर्मल से कैलकुलेशन करूँगा, आपको वो भी देखना है कि मैं कैसे 200% तक 60% निकाल रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ। आधी चीज़ें तो बड़बड़ी होती है ना, आधी चीज़ें तो मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, मैं ये वीडियो देखो, मैं सोचा था कि वो एक ही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आरआरबी पीओ में बहुत लोगों का दिल टूटा होगा कि बहुत लोग अटेम्प्ट अपने बहुत कम लगे होंगे। ठीक है, और आरआरबी क्लैरिकल में फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उनको बस एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे वो डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्लियर किया था पिछली बार। ठीक है, और आप ईजिली मतलब स्कोर करके आप प्री क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस कौन से क्वेश्चन पहले कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन मिड में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपको पहले स्किप करने हैं और बाद में करने हैं। उस तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये नहीं कि आप कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं ये टॉपिक कैसे करते हो, नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि आपको सिलेक्शन एग्जाम में हो जाए, या पैनिक ना करो वहाँ पे, आपको पैनिक लिस ना रहे। ठीक है, पैनिक के बाद ना इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो मैं वही चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रैटेजी है मैं वो आपको दिखाऊं कि अगर देखो मैंने आरआरबी असिस्टेंट नहीं बनाया, ठीक है, ये मेरे मॉक देना एक टाइम वेस्ट है, बट मैं सिर्फ अपने उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिनको लिटरली इसकी ज़रूरत है, जो तैयारी करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी असिस्टेंट आरआरबी पीओ उनका थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, वो आरआरबी असिस्टेंट क्लियर करना चाहते हैं और थोड़ा सा लैग कर रहे हैं मॉक में, मैं वही दिखाना चाहता हूँ बस। ठीक है, अगर आपके ना, अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल देखो सिंपल सी बात है, रीजनिंग में क्या होगा ना, रीजनिंग में पहले 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले पजल्स किस लिए करो, क्योंकि आपके दिमाग में टाइम को मतलब वो टाइम रनिंग नहीं होगा कि आपको पता है कि अभी स्टार्ट है मॉक, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इजीली मतलब टाइम प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, बट अगर आप वही पजल लास्ट में करते हो तो आपको टाइम कम बचा होगा, आपको लगेगा भाई 10 मिनट बचा है, मेरे 3 पजल बचे मैं कैसे करूँगा, या मेरे पास 5 मिनट बचा है 2 पजल बचे मैं कैसे करूँगा। भले वो करने लायक होंगे बट आपका टाइम प्रेशर आ जाएगा और नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और मैं ये खुद भी करता हूँ कि मैं पहले पजल्स खत्म करता हूँ, रिलैक्स करके इजीली माइंडसेट में मैं पजल खत्म करता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन में मार्क्स को रिव्यू करके स्किप कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं सिर्फ पजल करूँगा, सारे पजल करूँगा, उसके बाद फिर मैं मिसलेनियस में आऊँगा, और सबसे लास्ट में मैं करूँगा डायरेक्शन डिस्टेंस और रिलेशन। ठीक है, समझ में आया आपको, पहले पजल्स करना है, फिर करना है मिसलेनियस, और फिर करना है डायरेक्शन डिस्टेंस या फिर वो चीज़ रिलेशन। ठीक है, और अगर अगर देखो इन बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि आपको छोड़ना है या लास्ट में करना है, तो उसको नॉर्मली स्किप करो,
मान लो कि अभी पजल्स खुल रहा है और पांच में से एक पजल मुझे थोड़ा टफ लगा और मुझे अभी ऐसा अभी नहीं करूँगा, उसको स्किप करो, चार पजल करो, रेसिलियंस करो, रिलेशन रिलेशन करो, उसके बाद वो पजल करो, ठीक है? इस तरीके से करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पजल से स्टार्ट करेंगे, ओके? ये स्किप करो, ये स्किप करो, सिक्स बोर्ड ऐसे साउथ डायरेक्शन, ठीक है? टू बोर्ड बी और ई डी इज साउथ डायरेक्शन, टू बोर्ड बी और ई ई इज पास इमीडिएट राइट ऑफ बी एस मेनी बोर्ड लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ बी सी एडजेसेंट टू नाइदर ए नॉर ई, ठीक है? ये हो गया ई, ये हो गया ए, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये हो गया ए, हो गया ई, सी एक और नहीं हो सकता, ये हो गया एस, एस विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ना वन टू सेकेंड टू द लेफ्ट एंड एंड सी और ई, ई इज एडजेसेंट टू एफ सही है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए सही है, ओनली वन बोर्ड डी और एफ, डी और एफ ओनली वन गलत है, वन और टू सही है। How many boards are arranged to the left of A? Two. F is adjacent to A and E. A person Ankit okay square table में बैठ रहे हैं. There are two person each edge and facing. ठीक है. सब क्या facing inside? सब inside face कर रहे हैं. अंकित श्रुति के अदिति अच्छा ठीक है, श्रुति से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ करण, श्रुति सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ करण, अदिति थर्ड टू द राइट ऑफ करण, ध्रुव से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ध्रुव, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशीष, ध्रुव एंड आशीष कैन सेम एज same side, Shriya stands immediate left or right of Harsh, Shriya immediate right of Harsh, different side, Karan and Dhruv stand on the same table edge, Karan or Ankit jo hai wo bhi different side, theek hai? करण और अंकित ना, करण वन टू अदिति, ठीक है? देखो ये हो गया करण वन टू, ये हो गया अदिति, करण के लेफ्ट में ये हो गया श्रुति, ठीक है? ये हो गया करण वन टू, ये हो गया अदिति, करण के लेफ्ट में ये हो गया श्रुति, आशीष के लेफ्ट में ध्रुव, आशीष के लेफ्ट में ध्रुव, आशीष के लेफ्ट में हो गया ध्रुव, ठीक है? और करण और अनिकित, ठीक है? हर्ष और श्रिया इधर ये नहीं हो सकता ना, हर्ष और श्रेय इधर और अनिकित, अनिकित, ठीक है? ध्रुव विद रिस्पेक्ट टू श्रुति, ध्रुव श्रुति सेकेंड टू द लेफ्ट, आशीष एंड हर्ष राइट ऑफ आशीष, आशीष एंड हर्ष राइट ऑफ आशीष, वन टू थ्री, सिद्ध स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ अनिकेत, हर्ष, अदिति रिलेटेड टू अदिति इज रिलेटेड टू श्रेय, सेम से श्रुति इज रिलेटेड टू अनिकेत,
श्रुति स्टैंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ हर्ष, श्रुति नहीं, अनिकेत स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करण, अनिकेत इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करण, श्रेया एंड ध्रुव सेम, श्रेया एंड ध्रुव नहीं, करेक्ट वाला ना, आशीष इज द राइट ऑफ फर्स्ट आश ना, ठीक है ये सही है। एट बॉक्सेस बॉटम मोस्ट इज वन, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 फोर बॉक्सेस के एंड जेड, फोर बॉक्सेस के और जेड, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो आर इज अ स्क्वायर नंबर बट आर इज नॉट द बॉटम मोस्ट, नंबर बॉक्स इज द स्क्वायर नंबर बट स्क्वायर नंबर बट आई इज केप्ट बिलो ओ थ्री आर फॉर एच वन टू थ्री एच मोर देन फोर बी एंड आई विच इज केप्ट बिलो बी, टू बॉक्स इज जेड और बी, two boxes that will be the number of boxes below H is same as above K. Above K 1, 2, 3, 4, Z 1, 2, 3, 4, K will get Z 1, 2, E will get V, 2, E will get V, GK, O or I, O, K, Niche, I, or O, K, Niche, I or B, O, K, Niche, I, or E will get B, O, K, Niche, other I, ठीक है, तो 1 2 3 ये ओके ना, ओ एन जेड इज तीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन, बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी जेड, ये नहीं हो गया ठीक है, I is related to R. I is related to R. R के नीचे V is related to H. K is immediately kept immediately below. K is O and R. O and R. ठीक है. इसको बाद में करते हैं. इसको भी बाद में करते हैं. Seven percent 2023. ठीक है, 87 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 94, 98, 01, 03, 09, ठीक है, 23 के हिसाब से ना क्या, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
वो पर्सन चिंकियन टीम की वाज बोर्न आफ्टर चिंकियन 1 2 3 4 एज ऑफ पिंकी इज नॉट 25 टू पर्सन डिंकी एंड मिंकी 1 2 इवन बिफोर डिंकी बिफोर डिंकी चिंकी वाज बोर्न आफ्टर चिंकी आफ्टर चिंकी वाज बोर्न आफ्टर एल्डेस्ट पर्सन बी यंगर देन चिंकी चार लोग हैं मोर देन थ्री एल्डर टू चिंकी एंड यंगर टू रिंकी डिंकी एंड पिंकी पिंकी ना 36 हो जाएगा ना चिंके वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर चिंकी इमीडिएटली बिफोर एम चिंकी इमीडिएटली बिफोर एम 2598 ठीक है अब ये हो गया ना अब मिसलिनियस कर लेते हैं रिमेन अनचेंज्ड ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एस डब्लू अनचेंज्ड ये हो गया ये हो गया है जी
दो, ठीक है। ये इस छोटा, ये इन ऐसे क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी ना, तो थोड़ा आराम से। ये छोटा इक्वल टू यू, ये इस छोटा इक्वल टू यू गलत है, टी इस छोटा इक्वल टू जे, टी इस छोटा इक्वल टू जे, ठीक है। टी और यू इस ये हो गया, टी छोटा इक्वल टू जे गलत, टी छोटा इक्वल टू क्यू, छोटा इक्वल टू क्यू गलत, आई इस बड़ा एफ, आई इस बड़ा एफ, ये भी गलत है। ई इस बड़ा एफ सही है, आर इस छोटा सी, आर इस छोटा सी, वन फॉलोस, ठीक है। 6% ओके, क्या है? एम एन ओ पी क्यू आर, एम वेर ग्रे, नैर सियान, पी एस नैदर सियान नॉर मॉवी, नैदर एन नैदर वे, नैदर ब्लू नॉर ग्रीन, नैदर ब्लू नॉर ग्रीन, ओ वेस नैदर सियान नॉर ग्रीन, ओ एस नैदर सियान नॉर एट अजू ब्लू और सियान, आर एस नैदर यू वेर पिंक, यू इज पिंक, इधर तो ब्लू इज नॉट पी, ब्लू इसमें नहीं है, ब्लू इसमें नहीं है, ब्लू इसमें नहीं है, तो ब्लू इसमें आर इज वेरिंग, आर इज कौन सा कलर है, मॉवी, ये ब्लू ब्लू ये नहीं होता, मूवी नहीं होता, मूवी होगा, ठीक है। ओके, इसको लास्ट में करते हैं। विच एलिमेंट 21st पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, 21st पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ए एलिमेंट लेटर एम सिंबल, एलिमेंट ना लेटर एंड सिंबल ये हो गया, हैश नहीं इक्वल यही होगा ना, नंबर ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेड, नंबर ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटेड एंड सिक्सटी बाय सिंबल, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेड एंड सिक्सटी बाय सिंबल, सिंबल तीन सिंबल है कहीं, सिंबल ये हाउ मेनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेड एंड सिक्सटी बाय सिंबल, एंड सिंबल, ठीक है। तो तो ये हो गया सिंबल ना, सिंबल ये प्रसिद्ध नहीं है ना, सिंबल ये नहीं है, सिंबल ये नहीं है, सिंबल ये नहीं है, सिंबल ये नहीं है, 1, 2, 3 ठीक है, ये नहीं है, 3, 4 ये नहीं है, 4 हो गया, ये हो गया 4। अब इसके बाद में आती है, ठीक है, adorable required ना, adorable ना, evening dinner, evening dinner ना, evening का er पता चल जाएगा, तो dinner का dinner night ना, adorable ढूंढना है मेरे को, कौन सा नाम जरूरत पड़ेगा, evening इसका पड़ेगा, dinner इसका पड़ेगा, सब पड़ेगा, one of the above, vb बी बी इसमें रिपीट नहीं है, द रिपीटेड, डिनर रिपीट है, नाइट रिपीट नहीं है, टी वाई टी वाई यू आई, टी वाई रिपीट नहीं है, ठीक है, दी इंजॉय यू आई, यू आई रिपीट नहीं है, अडोरेबल इंजॉय अडोरेबल, द द इसमें, द इसमें ओ पी क्यू डब्ल्यू, इंजॉय नाइट, इंजॉय का टी वाई, नाइट का वी बी, ठीक है। इन हाउ मेनी नंबर्स द फर्स्ट डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड डिजिट, दो, फर्स्ट डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड डिजिट ना, ये हो गया दो, इफ द डिजिट इन ईच नंबर इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द सेम यूनिट डिजिट इन द
8 7 2 3 1 4 6 5 3 5 8 7 9 1 8 ascending order. 8 7 2 4 3 1 6 5 3 7 8 5 9 8 1 descending order. Same. इसमें नहीं दो ऑलरेडी जो एक नंबर आर रिवर्स सेकंड हाईएस्ट रिवर्स 2 7 8 4 1 3 8 5 6 7 8 5 8 1 9 सेकंड हाईएस्ट एक के तरफ हो गया सेकंड है 7 8 5 5 8 7 ड्रॉप विल बी हॉट थर्ड डिजिट ना 1 2 3 4 Make one minimum word first 6 8 9 first 6 8 9 first 3 4 5 6 7 8 9 ये मुझे नहीं पता तो मैं इसको वो मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दूंगा ठीक है एल एस टूवर्ड द साउथ ऑफ एम एल एस टूवर्ड 3 टू द साउथ ऑफ M which is towards the 5 north Q is 3 towards the north of P P which is 6 towards the Q is 6 east of Q is 6 Q is 3 Q is 3 towards the north of P which is 6 towards the east of with respect to N विद रिस्पेक्ट टू एन तो ये साउथ हो गया एल और पी 6 5 11 ये हो गया क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल नॉर्थ ईस्ट तो गाइस जैसे आपको देख रहा है कि मैंने 8 मिनट मेरे बचे हैं और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल प्यार से करा है ठीक है मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने थपड़ थपड़ करी है नहीं मैंने बिल्कुल प्यार से करा है ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है एक से एक बट मैं थोड़ा शॉर्ट नहीं हूँ तो मैं छोड़ दूंगा ठीक है क्योंकि आरआरबी क्लैरिकल का पेपर है एक एक मार्क्स मैटर करता है ठीक है तो चलो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं हाँ तो इसमें क्या करेंगे ना गाइस पहले हम इजी कर लेंगे ठीक है पहले करेंगे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन उसके बाद करेंगे TI और उसके बाद अर्थमेटिक में और मिसिंग टर्म आएगा तो देख लेंगे एक बार रॉन्ग टर्म आएगा तो सबसे लास्ट में करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं माइनस प्लस 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 अब अगर रॉन्ग टर्म मिसिंग टर्म आता है तो एक बार ऊपर पर नजर मार लो अगर आपको समझ में आया तो ठीक नहीं समझ में आया तो उसको स्किप कर दिया ठीक है पहले क्वाड्रेटिक करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है जो भी आपके सामने पहले खुलेगा माइनस प्लस 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 4 3 6 4 वाई इज बिगर और इक्वल टू गोली मारो इसको इसको मैं कर लूंगा अभी ठीक है ये हो गया 3 9 4 8 4 5 6 7 13 5 6 ठीक है 3 1 31 ये हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा ठीक है 31 ये हो जाएगा 36 रिलेशन ये हो जाएगा 36 3 1 2 3 ये 67 है 6 256 16 अरे यार इनको ऐड करना जल्दी है क्या 14 10 11 14 15 ये हो जाएगा 6 8 12 ये हो जाएगा 10 8 9 10 5 6 7 8 70 5 3 ये हो जाएगा 3 3 9 ये हो जाएगा 7 9 72 81 ये हो जाएगा
इज 979072, ये बस ठीक है। तो ये इधर इधर तो हो जाएगा 632 36, ठीक है। तो ये हो गया 5 3 15, ये हो जाएगा ठीक है -3 10, और ये हो जाएगा +115 2 3 13 3 3 9 36 -7 30 -7 हो गया 30 ठीक है। 356 24 6 7 8 9 896 इतना हो गया 677 021 46 84 1, ठीक है। 2 2 3 4 प्लस हो जाएगा ना, प्लस के बाद तो फिर माइनस ही करना है। 8 16 2 4 5 3 8 24 3 2 6 7 8 ये हो गया 9 896 इधर हो जाएगा 677 7 7 6 0 2 1 इधर हो जाएगा ठीक है। 1 9 1 9 27 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना 27 99 ये हो जाएगा 22 15 9 1 2 14 1 2 3 99 440 441 20 ये हो जाएगा ठीक है। तो 12 9 10 14 ये हो जाएगा और 6 5 24 22 और 1 ये हो जाएगा ना और ये हो जाएगा 240 ये हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना 168 इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 5 8 12 5 6 7 12 हो गया ये हो जाएगा 8 10 80 इधर हो जाएगा 9 इधर हो जाएगा 80 39 59 इधर हो जाएगा ना 20 57 16 19 10 11 5 by 8 20 15
तो गड़बड़ किया फिर मैंने, इतना सिंपल सिंपल भी गलत हो रहा है। ओके 24, 27, 16, 19, 2010, 11, ठीक है 8 हो गया ना। अच्छा 44 होना चाहिए ना इसमें, ये हो गया 44 होना चाहिए, 57, 54, 19, 44, 8, 17, 10, 11, 5, 30, 31, 32, 5, 3, 1 ये हो जाएगा, 63, 9, 2, 9, 9 ये हो जाएगा, 1, 8 इधर हो जाएगा, ये 1000 है ना तो इधर 8 इधर हो जाएगा ना, 4, 4, 4, 3, 0, 15 इधर हो जाएगा ना, 77, 7, 14, 11, 77, 7, 30 इधर हो जाएगा, 24, 6, 24.4 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 543, 765, 8, 10, 13, 583 5, 7, 2, 5 ये हो गया ना। अब मिसिंग टर्म थोड़ा बाद में देखता हूँ, तो इधर 9 हो जाएगा ना, तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। सोल्ड लैपटॉप रिपेयर्ड बाय एस, डिस्प्ले रिपेयर्ड बाय एस, सोल्ड बाय क्यू 40, 9, 6, 2, 3, 50, 150, टॉप सोल्ड बाय पी क्यू आर, पी सोल्ड नंबर को पी क्यू 2, 3, 4, 480, 160 लैपटॉप रिपेयर्ड बाय आर एस एन टी टुगेदर, आर एस एन टी रिपेयर ना, आर एस लैपटॉप सोल्ड बाय पी एन लैपटॉप रिपेयर बाय क्यू, सोल्ड बाय पी रिपेयर बाय क्यू repaired by PNQ, repaired by PNQ 20, repaired by SMT 360, 240 अगर मैं सिंग टर्म देख लेता हूँ पहले, और वो 8, 2, 6, 12 ठीक है, बट ये हो गया तो 64 हो जाएगा, ये 30, 36 ये हो जाएगा ना, 6, 8, 10 ठीक है, ये हो गया, ये कितना हो गया 15 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, 35, 55 10, 5, 10, 15, 20, 25, 15, 60 ठीक है, ये हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा 140 ये हो जाएगा, 29 इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17,
ये हो जाना चाहिए 23 और 19, 23 होना चाहिए, 91 23, 868। छह इसमें से हट जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 3, 4, 5, 3, 102 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये माफ कर रिव्यू, हाँ ये किया था ना, एक्टर्स तो मेरे लिमिट आंसर। ठीक है, एक्टर म्यूजिशियन रिमेनिंग डांसर, एक्टर म्यूजिशियन डांसर मेल और फीमेल होता। ठीक है, 40% एक्टर वो फीमेल एक्टर इज, ठीक है, 42% ये हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 248 म्यूजिशियन। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ मेल इज मोर देन फीमेल एक्ट्रेसेस, फीमेल एक्ट्रेस इज 420, फीमेल डांसर 40% मोर देन फीमेल डांसर, 40% मोर देन मेल डांसर। एक्टर ना एक्टर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, चार सौ की छः, 56, 42%। ठीक है, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 1, 18, 1800, 7, 5, 6 ये हो गया, 20% आर म्यूजिशियन, 64, 16, 22, 8, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1260, 13, 540, मेल एंड फीमेल इज 2, मेल इज नंबर ऑफ फीमेल एक्टर्स इज नंबर फीमेल डांसर इज 40% मोर देन द मेल डांसर। फीमेल 40% हो ना, 2, 2, 5 इधर हो जाएगा, 5, 42, 5, 2, 3, 4, 8 इस मोर ना, 5, 0, 4, 2, 4, 8, 4, 9, 1, ये कितना है, 6, 5, 2, 1, 2, 8, ये स्मॉल ना, 1, 2, 8, 5, 0, 4, 4, 9, 1, 6, 7, 3। ठीक है, सब मेल डांसर, मेल डांसर म्यूजिशियन के बारे, मेल डांसर एंड म्यूजिशियन 11, 10, 6, फीमेल एक्टर एंड म्यूजिशियन together and the number of male dancer, female actors and musician together, female actors and musician and musician are 4, 5 and male dancer 4, male actors, male dancer, female actor, average number of dancer. Male musician, female actor, male musician, female actor, male singer 20%, 20% more than female dancer. Dancer 315, 60, 18, 36, 7, 8.
ठीक है, अब ये देखो एवरेज स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इज, ठीक है, एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इज, ठीक है, ये इजी है। क्या बोला है इसमें, ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक एंड टुगेदर कैन फिल, अच्छा, ए प्लस बी टुगेदर कैन फिल, ठीक है, तो ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 48 आवर्स एंड बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 72 आवर्स, तो ए तो यार ये तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्टिल वाटर, ये कितना है अपस्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपस्ट्रीम है तो 48 क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सम थोड़ा सा टफ भी है, इतना टफ आएगा नहीं वैसे, एवरेज मल ठीक है, रेक्टम शीट ये भी हो जाता। 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव, घंटे 4 2 6 2 5 31961 सबमिट कर देता हूँ, बस सबमिट हो जाए, सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया ये, अरे यार ये वही नहीं, ये क्या हो रहा है यार। सबमिट कर देता हूँ फिर अब तो। गाइस आपने देखा होगा कि मैंने मतलब रीजनिंग भी कर लिया था, क्वांट भी कर लिया था, ठीक है, तो दोबारा क्वांट भी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, उसको मुझे दोबारा नहीं करना था और बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसी होता मैं कर लेता, पजल सॉल्व कर दिए थे तो डायरेक्ट कॉपी कर लेता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रेटजी एक बना के, जैसे आप पहले इजी इजी करके उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, देखो ये जो मॉक का लेवल है ना, एज अ एग्जाम में इतना टफ नहीं आए, मुझे नहीं लगता इतना टफ आएगा, इतना टफ आएगा, अगर इतना टफ आएगा ना तो आप खुश हो जाओ, कट ऑफ बहुत गिरेगी, ठीक है, इतना टफ नहीं आता, पजल्स भी इतनी टफ नहीं आती, पजल्स सिंपल सिंपल आती है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, मतलब आप इजीली कर लोगे, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा इसमें पजल टफ था, बट लेकिन मतलब चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं आती, अरबी क्लरिकल मिला क्वांट भी इतना मुश्किल नहीं आता, और रीजनिंग भी इतनी मुश्किल नहीं आती, रीजनिंग तो मतलब आपको बस स्लो इसलिए करना है क्योंकि आप एक्यूरेसी ख़राब ना हो, आपको
एक्यूरेसी के साथ चीज़ें करनी है, ठीक है। इसलिए जैसे आपने देखा कि मैं 17 मिनट 25 सेकंड में मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर दी, लेकिन यही चीज़ मैं 15 मिनट में भी कर सकता हूँ, क्योंकि बट मैं क्या करूँ, शायद मैं बहुत फास्ट करने में मुझे चीज़ें थोड़ी गलती हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके पहले ये क्वेश्चन करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैंने मैंने अटेम्प्ट करा था, बट लेकिन मैं क्या करूँ, सेव भी नहीं हुआ, ठीक है, नेटवर्क इशू, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पहले रीजनिंग में पहले पजल पजल करना है, उसके बाद फिर आपको मिसलिनियस करनी है, उसके बाद लास्ट में आपको रिलेशन और डायरेक्शन करना है। क्वांट में आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन या क्वांटिटी इक्वेशन करना है, उसके बाद फिर आपको डीआईज करने हैं, ठीक है। और आपको वो चीज़ मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, अगर आपको एक बार में समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो उसको वहीं पर स्किप करके उसको लास्ट में विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक में क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग, आपको सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन वाले टॉपिक करना है जिसमें आप अच्छे हो, तो वीक हो उसको छोड़ दो। पहली बात, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन ईजी होगी तो लोग कर देंगे, वरना चीज़ें मुश्किल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। और हर पेपर में एकदम इजी पेपर नहीं होगा, कोई में थोड़ा अपर होगा तो लोअर होगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं छोड़नी, आप अपनी स्ट्रेटेजी से फॉलो करो, पहले पहले सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक जो भी पहले आएगा, उसके बाद डी आईज, और उसके बाद आपको अर्थमेटिक के अपने लेवल वाइज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उस तरीके से आप परफेक्टली एक स्ट्रेटेजी बनाओ, चाहे पेपर कैसा भी हो, चाहे अगर आप 72 करके भी आए ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, एक्यूरेसी आप ही के ऊपर है, ठीक है। बट अगर तो आपको स्पीड से ये चीज़ें करनी है, ठीक है, और ज़्यादा लिखना नहीं है, आप कोशिश करो कि थोड़ा सा आप वली करो, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी देखो भाई, मैंने पहला स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया उसमें आवाज़ नहीं आई, इसमें बनाया नेटवर्क का इशू आ गया, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आगे जाके एक आपके लिए फुल मॉक देने की कोशिश करूँगा, जिसमें अभी इसमें मेरा क्वांट खराब हो गया, समझ में नहीं आया कि कितने सही थे कितने गलत थे, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, अगले में मैं अच्छे से देने की कोशिश करूँगा कि जिसमें मैं पूरा मॉक दूँ और पूरा आपको अच्छे से स्ट्रेटजी दिखाऊँ। तब तक ले गाइस, आई एम सॉरी, ये मेरे कोई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ठीक है, नेटवर्क का इशू है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेंस का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बट अब मैं आपसे बोलूँगा, अगर जिसका आरबी क्लैरिकल है, आप क्लैरिकल के मॉक्स भी लगाओ, इग्नोर मत करो, ईजी होता है, इसका मतलब नहीं है कि ईजी होगा, क्या पता एग्जाम का लेवल का आपको कोई नहीं पता, इग्नोर मत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, रोज मॉक लगाओ, अपने हर एक टॉपिक में प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा स्लो है तो उसमें फास्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, अर्थमेटिक के स्पेशली, ठीक है, और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।